बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन फ्रंट ऑफ अ डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ अ स्लिट इज मेजर्ड. द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम. व्हेन द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ अनदर वेवलेंथ, एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस बाय 30%. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट. द सेम डिक्रीज इन द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ओरिजिनल अपरेटस इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड. Find the refractive index of the liquid. So, bacho, here our key concept is in Fraunhofer diffraction. Width of सेंट्रल मैक्सिमा इज गिवन बाय द रिलेशन थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय डी. अब बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपका एक वेवलेंथ है लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, उसके लिए जो एंगुलर विड्थ होगा दैट वुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा बाय डी, वेयर डी इज द विड्थ ऑफ द स्लिट. Now, for another wavelength, let's say कि वो lambda dash है, उसके लिए angular width क्या होगा? Let's say कि वो है theta naught dash, so that would be 2 lambda dash upon d. अब जो theta naught dash है, ये angular width is यू कैन से 70% ऑफ द थीटा नोड, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जो थीटा नोड है उसमें से 30% डिक्रीज हो जाएगा. तो आपके पास आ गया 70%, 7/10 थीटा नोड. तो अब हम देखें कि थीटा नोड जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. सो हम ये कह सकते हैं दैट थीटा नोड अपॉन थीटा नॉट डैश इज इक्वल टू लेमडा अपॉन लेमडा डैश. तो यहाँ पर थीटा नॉट डैश का वैल्यू पुट कर देते हैं, 7/10 थीटा नॉट इज इक्वल टू लेमडा अपॉन लेमडा डैश. सो दैट मीन्स 10/7 इज इक्वल टू लेमडा बाय लेमडा डैश. तो लेमडा डैश आ जाएगा आपके पास 7 लेमडा बाय 10, दैट मीन्स 7 × 6000 upon 10, so this will be equal to 4200 angstrom. Now, when apparatus is immersed in liquid of refractive index mu, आपके पास जो रिलेशन है उसने कहा है कि जब हमने उस ऑपरेटर्स को एक लिक्विड के अंदर इमर्स किया तो वहां पर भी जो चेंज था एंगुलर विड्थ में वो हमें सेम मिला. दैट मीन्स कि वहां पर अगर पहले वेवलेंथ लैम्डा थी तो बाद में वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा डैश, बिकॉज वहां पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ है. सो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू म्यू. तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू 6000 अपॉन 4200, दैट इज 10/7. तो म्यू का वैल्यू आ गया 1.4. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.